ने दूजे कहिंदे सी पंजाब दा रखवाला उन्हां दी राखी बारे भी दसांगे उन्होंने किहड़े किहड़े पंजाबियां दी जेब दी राखी कीती है। शुरुआत मैं करन लगे हाँ अज तीन टोल प्लाजे जिहड़े ने वो बंद हो रहे ने अज उन्हां दी म्याद पुग गई। आम तौर पर अज शाम नूं जिहड़ियां डिबेटां चलणगियां उहदे च ये दोने आउंदे आ कांग्रसी ते अकाली ते भाजपा वाले वो कहेंगे जो म्याद ही पुग गई सी इहनूं बंद करन की लोड़ सी। ना मैं दसदा कि क्यों आना पिया यह प्रोजेक्ट जिहड़े अज तीन बंद हो रहे ने एक माजरी आह जिहड़ा हैगा नंगल शहीदां ते मानगढ़ यह टोल प्लाजे अज बंद कर रहे हैं। हुण इन्हां दी मैं बैकग्राउंड दसदा कि कित्थों शुरू होए सीगे एग्रीमेंट किहदे नाल होया ते किन्ने च होया। 104.96 किलोमीटर सड़क का एग्रीमेंट है लगभग 105 किलोमीटर कह लो 123.64 करोड़ यानी कि 123.64 लाख रुपये का टोटल प्रोजेक्ट है जिदे चो पंजाब गवर्नमेंट ने 49.45 करोड़ रुपया सबसिडी दिती है यानी कि 40% पैसा तो सरकार नहीं देता इन्हों पैसे कट्ठे करन दा लोगों तो पैसे कट्ठे करन दा ही सबसिडी है जी 40%। एग्रीमेंट होया 6/12/2005 नूं सरकार कैप्टन साहब दी सी PWD मिनिस्टर अजकर LOP ने उन्होंने घर नूं जांदा राह है सब तो पहला तोहफा उन्होंने अपने आले पास ही दिता है प्रताप बाजवा जी 6/12/2005 नूं एग्रीमेंट होया तो कमर्शियल ऑपरेशन जिहड़ी इस प्लाजे की 6/3/2007 शुरू हो गई यानी कि अगली गवर्नमेंट जिहड़ी है वो तो पहला सत्त वाली गवर्नमेंट बनने तो पहला उन्होंने चला लिया तो यदि एक्सपायरी सी 14/2/2023 अज का दिन एग्रीमेंट के मुताबिक ये रोहन राजदीप टोलवेज लिमिटेड को एग्रीमेंट के मुताबिक पहली बार ओवरले करन दा पहला ओवरले यानी कि लुक पाउण दा पहला काम March 2013 तक पूरा किया जाना सी 5 March 2013 तक पहली बार इस सड़क ते 104 किलोमीटर सड़क 5 किलोमीटर सड़क ते लुक पाउण दा काम पूरा करना सी एग्रीमेंट च लिखा होया पर कंपनी ने 30/4/2015 तक पूरा किया 786 दिन लेट हो गए जी 786 दिन लेट हो गए तो 24.30 करोड़ 30 लाख रुपया जुर्माना बनता सी 37.30 करोड़ रुपये का इंट्रस्ट बनता सी यानी कि लगभग 61.60 करोड़ रुपया जुर्माना बनता सी जिहड़ा कि राज नहीं सेवा वाले ने माफ़ करता ते एग्रीमेंट दे विच एक क्लॉज पाया होया है कि गवर्नमेंट जिहड़ी है तुसी जिन्ना मर्जी एग्रीमेंट तोड़ लो गवर्नमेंट 6/12 लाख तो बाद जुर्माना नहीं ला सकती जी जिन्ना मर्जी तुसी कर लो कपड़ा कपड़ा तुसी क्या नोटिस भी दिता तां भी 6/12 लाख ही देंगे वो क्योंकि अपना लिखा होया जी इदों बाद कर नहीं सकते। जिहड़ी दूजी ओवरले सी दूजी ओवरले ओदी डेट सी 5/3/2018 यानी कि 2013 दे विच जिहड़ी उन्होंने लुक नहीं पाई वो 15 तक पाई है तो जिहड़ा यह एग्रीमेंट है 786 दिन देर वाला इस समय दौरान ना कोई जुर्माना किया गया ना ही एग्रीमेंट नूं टर्मीनेट करन दा कोई नोटिस दिता गया। जे नीयत सच्ची होंदी जे सच्ची मुच्ची राज नहीं सेवा करते होंगे तो ये टोल प्लाजा 5/3/2021 9/2013 बंद हो जाने चाहिए।
10 साल पहले, लगभग 10 साल पहले, क्योंकि उन्होंने पहली बार एग्रीमेंट ही ब्रीच करता। 786 दिन लेट करती लुक पाउणी, टर्मीनेशन का नोटिस दे के वो तो बाद दे टाइम दे के 21/9/2013 तक ये टोल प्लाजे बंद होने चाहिए सी। पर सुखबीर बादल होरी कहिंदे तुसीं लुट्टी जाओ साडे वाला हिस्से का पैसा, साडियां जेबां सुट्टी जाओ, लोगों को कहड़ा पता लगता। पहली अज जिहड़े शाम नू डिबेटां डबूटां ते बहिणगे अकाली दल वाले वो नाल लैके आउण। दूजी बार लुक पाउण दा काम 5/3/18 तक पूरा होना सी, जिहड़ा कि 9/11/2020 नू होया। 980 दिन ये लेट हो गया जी। ये दौरान कोई उन्होंने कनैक्शन जिहड़ा एग्रीमेंट नू टर्मीनेशन करन दा कोई नोटिस नहीं कढ़िया, कोई जुर्माना नहीं लाया। जे किते उदों कर दिंदे तां 21/9/2018 नू फिर दोबारा ये टोल प्लाजे बंद हो सकदे सी। उदों कैप्टन दी सरकार सी, उह कहिंदे आपां ही तां कीता, चलण दिओ, लोकां नू कहिड़ा पता लगदा। यानी कि दो बार, एक बारी 2013 च, एक बारी 2018 च टोल प्लाजे बंद हो सकते सी, कोई जुर्माना नहीं लाया गया, कोई टर्मीनेशन का नोटिस नहीं कढ़िया गया, चलन दो। 2019 दे विच रोहन राजदीप कंपनी ने अंडरटेकिंग दित्ती, लिख के दिता कि तीजी बार लुक पाउण दा काम असी जनवरी 2023 च कर लांगे। जनवरी 2023, अज 14, अज 15 फरवरी 2023 होगी, कल तक इन्हें एक्सपायर होया, रात कल 12 बजे, अजे तक वो भी नहीं किया जी, टिल द एक्सपायरी डेट वो भी नहीं किया। अच्छा हुण की कहिंदे ने, हुण इन्ना कुछ करके हुण सानू कहिंदे ने, कहिंदे जी एक्सटेंशन दिओ इहदे च, हुण कोविड दे दिन दिओ जी, 101 दिन कोविड दा बधाओ, एक्सटेंशन ऑफ फार्मर एजिटेशन, किसानों की हड़ताल का अंदोलन का 432 दिन होर बधाओ जी, यानी कि 533 दिन मंग लिया जनाब सातों होर। असी क्या जो थोड़ी डेट ही एक्सपायर होगी तो 531 दिन 32 दिन कह दईए, कहते जी पहला भी अं वे रहे हैं। जे अज मैं शर्त ला के कहना, जे इन्हों दोनों चों कोई भी सरकार होंगी 533 दिन भी मिल जाते इन्हों, क्योंकि तो 10 साल पहले बंद होने होने चाहिए सी। दोबारा जोड़े दूजे है उन्होंने 5 साल पहले बंद हो जाने चाहिए सी। असी इन्हों कोई एक्सटेंशन नहीं दी, असी क्या भी चाबियां रात को 12 बजे सानू फड़ा जाओ इतने, तो ये रोहन राजदीप टोलवेज जी कंपनी है वो बार बार ब्रीच कर रही है, होर भी ने इन्हों पंजाब दे विच, वो बार बार जिहड़े समझौते ब्रीच कर रही है, असी उन्हां नू नोटिस शो कॉज कढ़िया क्यों ना तुहानू असी ब्लैकलिस्ट कर दिए। इहदे नाल मैं हुण एक बारी दोबारा दस दिना, यह टोल प्लाजा इहदी जिहड़ी 3 टोल प्लाजे ने माजरी, नंगल शहीदां ते मानगढ़, 49,45,00,000 रुपया गौरमेंट ने दिता, टोटल 123 करोड़ दा जिहड़ा 123.64 करोड़ दा प्रोजेक्ट सी। एग्रीमेंट मुताबक पहली बार लोग इन्हां ने 5/3/2013 तक पाउणी सी, जिहड़ी नहीं पाई, जिहड़ी कि 30/4/2015 तक 786 दिन इन्हां ने वध लए, उहदा कोई इन्हां ने नोटिस नहीं कढ़िया, कोई टर्मीनेशन नोटिस नहीं कढ़िया। जे दिलों सच्चे होंदे ते पंजाब दे नाल इन्हां नूं प्यार हुंदा, पंजाबी लोकां दीआं जेबां नाल प्यार हुंदा, तां इह जिहड़ा टोल प्लाजा है उह, मेरे कोल कागज़ पए ने सारे, 21/9/2013 नूं बंद हो सकदे सी पर नहीं कीते, क्योंकि उह सेवा कर रहे सी उस वेले, राज नहीं कर रहे सी। ते दूजी बार दूजी ओवरले सी 5/3/18 नूं, जिहड़ी कि 9/11/2020 नूं कीती है, 979 दिन उह च वध लै गए, उहदे विच वी कोई उहनां नूं टर्मीनेशन नोटिस नहीं, वी तुसीं ऐं क्यों कीता, ब्रीच क्यों कीता, तुसीं समझौता बहुत करोड़ां रुपया उह माफ़ करता जिहड़ा इहनां दा बणदा सी जुर्माने समेत। ते दूजी बार ये टोल प्लाजा जिहड़ा 9/11/2020 नूं बंद हो सकदा सी, 21/9
21-9-2018 बंद हो सकती, पर नहीं किया। हुण तक इन्होंने तीजी बार लुक भी नहीं पाई, अज असी इन्हें बंद कर रहे हैं तिने टोल प्लाजे नूं। और साढ़े तो हुण ये एक्सटेंशन मंगते सी, असी उन्होंने नहीं दिती, तो नाल नाल असी इन्हां नूं शो कॉज का नोटिस भेज रहे हैं कि तुसीं बार बार समझौते तोड़ रहे हैं, क्यों ना थोनू असी ब्लैकलिस्ट कर दिए। जे ब्लैकलिस्ट हो गए पूरे कंट्री दे विच, इन्हां नूं किते सड़कां दे ठेके नहीं मिलणगे। सो हुण मैं जवाब मंगदा जनाब प्रताप बाजवा जी, जनाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, दूजे पासे परमिंदर ढींडसा जी ते सुखबीर बादल जी, क्योंकि उस वेले PWD मिनिस्टर परमिंदर ढींडसा सी। सो पंजाब दे लोकां दा एक दिन च 10,52,000 बचूगा जी, अज तो ये नोट कर लियो। सरदार पवन सिंह जी मान जिंदाबाद। एक 10,52,000 इन्हां तिना टोल प्लाजिआं तों लंघण वाले लोकां दा बचूगा, भावें उह पंजाब दे ने, भावें उह किते अगे किते जम्मू जा रहे ने, जां किते अपनी यात्रा ते जा रहे ने, हिमाचल जा रहे ने। 10,52,000 पर डे दा नुकसान होया जी। 10 साल पहलां हो जांदा जे किते इह बंद, तां तुसीं हिसाब ला लो किन्ना पैसा बणदा। सो इहदा जवाब लैंदा मैं कि अज इह किवें बंद हो गए। एक्सपायरी डेट का मतलब यही है कि बंद करते हैं, इन्हों आदत पई हुई है बधाने की, पर इन्हों ये नहीं पता सी कि 2022 के लोगों की सरकार आजू, लोगों की आपकी सरकार आजू, इस करके लोग कोई एक्सटेंशन नहीं देंगे। इन्हों बिल्कुल 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 जांच का विषय, गंभीर जांच का विषय के 2013 च किन्ना टोल प्लाजा लगता सी इत्थे। 2013 तो लैके 2023 होगी हुण तक इहदा किन्ना टोल का रेट सीगा, किन्ना वध गया, तो टोटल किन्ने पैसे जिहड़े ने ओह लोगों की जेब चो कढ़ा ले गए ने, वो तो सारा इन्हों का बैंक रिकॉर्ड पे है सारा, ठीक है ना। तो किन्ना इन्हों का जुर्माना बनता सी उन्होंने ब्रीच करन दा, क्यों नहीं इन्हों टर्मीनेशन नोटिस जारी किया गया। PWD डिपार्टमेंट उस वेले कौन कौन सीगा, मिनिस्टर कौन सीगे, उहदे अफसर कौन सीगे, ये सारा जांच का विषय, ये जांच होगी। बिल्कुल रिकवरी पावांगे जी। नहीं कल्ले जुर्माने की नहीं जी, 10 साल पहला जो बंद हो जाता तो किन्ना पैसा बचता लोगों का। सेम हदायत ने जी, जिस दिन तुहाडी एक्सपायरी डेट खत्म होगी उस दिन अपना जुली बिस्तरा चको, असी कोई एक्सटेंशन नहीं देनी। कोर्ट च आना, कोर्ट च आ जाओ, कोर्ट च मिल लाँगे असी, उत्थे अपना पक्ष रखांगे। पर जे तुसी टर्मीनेट किए हुए ने पहला और रेगूलरली जिहड़े एग्रीमेंट ने टर्मीनेट किए हुए ने, दैन जिहड़े जुर्माने पैणगे जां पए सी जां क्यों नहीं पए, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਪਲੋਇਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ 10,52,000 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਣ ਦਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਰੁਪਈਏ ਦੀ। ਸਰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ, ਕਿਤੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਸ ਬਣਾਏ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਸ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੈਨ ਪਰਫੈਕਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਰਿਕਵਰੀ ਵੈਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਹੱਥ ਵਧਾ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ 6,12,00,000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਅੱਛਾ ਆਲਰੇਡੀ 124 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, 50 ਕਰੋੜ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲਵਾਤੀਆਂ ਆਹ ਗੁੰਡਾ ਪਰਚੀਆਂ, ਅਤੇ ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਲੁੱਕ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ।
कोई जुर्माना नहीं, कोई उन्हों का यही नहीं है थोड़ा एग्रीमेंट असी कैंसल कर देंगे तुम जाओ ना, क्योंकि आपस के रले हुए सी असी यही गल कहें कि लोगों के पैसे बचावे। हूँ तुम देखो ये कहें ना अकाली दल कांग्रेस वाले कि आए कही जाते हैं जी आह गरंटी देती आह गरंटी, पैसे कितों आने, पैसे इतों आने जी, आ लीकेज बंद की है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा जी, फाइव स्टार नहीं, सेवन स्टार। थैंक यू।